नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, ये जो क्लास वीडियोज है हमारी, ये वीडियोज है एक्सेल वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के ऊपर। और आज हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार जो है वो कैसे शो किया जाएगा। जी हाँ, प्रोग्रेस बार के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज इस कोर्स के अंदर में। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है, जो स्टेटस बार होता है, उसको कैसे चेंज किया जाता है वीवीए माइक्रो के थ्रू, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो छोटे छोटे माइक्रो के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्योंकि बड़े माइक्रो आपके सर के ऊपर से बाउंस हो सकता है, इसलिए पहले हम छोटे छोटे माइक्रो के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ में अगर आप हमसे क्लास लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं, वहीं पर सारी कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम जो यहाँ जो स्टेटस बार होता है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। अब क्यों करेंगे, इसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल हम आपको कैसे चेंज करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहले माइक्रो सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया PROVAR प्रोग्रेस बार, ये हमारा माइक्रो डिजाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा एप्लीकेशन डॉट स्टेटस बार, यहाँ होता है इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हो कुछ भी लिख दिया, लिख दिया स्टार्ट प्रिंटिंग द नंबर या द पेज या फिर द बुक या द या शीट, कुछ भी लिख सकते हैं शीट। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने इसको रन किया, रन करे बाद देखिए स्टार्ट प्रिंटिंग ऑफ द शीट यहां लिखा हुआ आ गया। पहले क्या था, रेडी था, रेडी के बाद आपको यहां पे आ गए। अब इसका बेनिफिट क्या है देखता हूं। जैसे कि आपने एक प्रिंट कमांड दिया 100 पेजों का, 500 पेजों का, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तक वो प्रिंट हो रहा है तब तक ये स्टेटस हमारा दिखता रहे। जैसे प्रिंट जॉब हमारा खत्म होता है, वैसे ही हमारा स्टेटस बार का ये खत्म हो जाए। तो चलिए इसके लिए हम कोड करते हैं। यहां पर लिखते हैं कि फोर आई इक्वल टू, चले मान लीजिए कि 1 to 5000 टाइम, और हम यहां पे सेल्स, सेल्स के अंदर में हमने आई कॉमा 1 दे देता हूं, 1 इक्वल टू हमने आई कर दिया। उसके बाद फिर मैं एप्लीकेशन डॉट, यहां पे डॉट लेते हैं, डॉट स्टेटस बार इक्वल टू, यहां लिख देते हैं प्लीज वेट 1 प्रिंटिंग। नंबर द शीट जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और इसके साथ हमने राउंड के अंदर में डाल दिया आई डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 100 पे ब्राइट भी देना पड़ेगा, कॉमा राउंड के अंदर 0 डालना पड़ता है, हमने कॉमा 0 दे दिया। और इसके साथ हमने परसेंटेज, ये हमने क्यों किया, परसेंटेज दिखना चाहिए कि हाँ इतना परसेंट हो गया। फिर नेक्स्ट आई कर दिए एंड द लास्ट, जब खत्म हो जा रहा है आपका तो यहां पे लिख दीजिए एप्लीकेशन डॉट एड्रेस बार
स्टेटस बार है ना, हाँ स्टेटस, स्टेटस बार इक्वल टू नथिंग, नथिंग। तो जैसे आप इसको रन करोगे, यहां पे जो स्टार्ट प्रिंटिंग आ रहा है इसके जगह पे एक पर्टिकुलर नंबर दिखेगा। जैसे कि मैं यहां पे मान लीजिए कि प्रोग्रेस बार को रन करता हूं, यहां परसेंटेज दिखा, यहां पे आ गया आपका नथिंग, नथिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं ब्राउज़र ओपन क्लोज कर देता हूं। यहां पे रेडी आ गया, तो शायद आपने, आपको भी ध्यान से दिखा नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, इस पे डू इवेंट लगाता हूं, डू इवेंट, इवेंट्स, और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और आपको प्रोग्रेस बार दिखेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिखा नंबर चला। तो जब भी कोई अगर आप प्रोग्रेस करते हो तो यहां पे परसेंटेज आप अपना शो कर सकते हो, जब तक आपका चल रहा होगा तब तक आपका परसेंटेज चलेगा। तो यहां पे क्या होगा कि स्टार्ट प्रिंटिंग, जैसे रन हुआ सबसे पहला दिखाया स्टार्ट प्रिंटिंग, उसके बाद जैसे जैसे वो अपना नंबर डालता गया वैसे वैसे वो परसेंटेज यहाँ पे शो करता चला गया। लेकिन प्रोसेस काफी ज्यादा मतलब कि जल्दी हुआ इससे आपको दिखा नहीं, लेकिन आगे चल के जब आप बड़ा बड़ा मैक्रो लिखोगे वहां पे जो परसेंटेज की टाइमिंग आएगी उस टाइमिंग में आपको जो है पूरा दिखेगा परसेंटेज में, और आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। तो हमने इसमें ध्यान से कोर्स समझिए कि सबसे पहले तो हमने स्टेटस बार बनाया कि स्टार्ट प्रोसेस में प्रोग्रेस स्टार्ट होने वाला है, फिर अपना काम जो है अपना काम को किए, और काम करने के बाद हमने क्या किया कि हमने आई डिवाइड बाई 5000 और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, उसकी परसेंटेज को निकाला, क्योंकि VVA परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाता है, इसलिए फिर मुझे यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल देना पड़ा, ताकि एक 1% 2% 100 से लेकर 100% तक इस तरह का नंबर दिखे। डू इवेंट हमने इसलिए लगाया ताकि परसेंटेज आपको दिखे थोड़ा सा, उसकी थोड़ा सा स्लो, हल्का सा स्लो हो जाए ताकि आपको दिखे, और फिर वापस एड्रेस बार को हमने नीट एंड क्लीन कर दिया ताकि नेक्स्ट प्रोसेस की चीज आपको दिखा। अदरवाइज क्या होता कि जो यही है उस जो 100% है वो 100% ही दिखता रहता, रेडी एडिट ऐसा चीज यहाँ पे स्टेटस बार में नहीं आता। तो मुझे आशा है कि आपको एक कोड समझ में आ गया होगा, आप थोड़ा बहुत अगर VBA मॉडलिंग जानते होंगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल निल है तो नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए आप मेरे बाकी की वीडियोस को देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो मेरे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग एडवांस एक्सेल और VBA मैक्रो की क्लासेस जो है प्रोवाइड करते हैं, एक क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है जो कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से ले सकते हो, क्लासेस डेली बेसिस पे होती है, और एक क्लासेस जो है आपको एक घंटे मॉर्निंग 5 से लेकर रात की 11 बजे तक होती है। अगर आप क्लास नहीं लेना चाहो तो आप हमारे DVD परचेज कर सकते हो, आप अगर मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएंगे तो वहां पे आपको जो है मेरी DVD दिखेगी। iptindia.com पे जाते हैं, बाय DVD पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल की DVD है, VVA की DVD है, एक्सेस की DVD है, कंप्लीट कोर्स की DVD है, MIS की DVD है, मतलब कि एक्स डैशबोर्ड की है, फाइनेंशियल मॉडलिंग की है, रिपोर्ट ऑटोमेशन की है, ट्रिक्स की है, टैली ERP 9 की DVD है, MS ऑफिस की DVD है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं DVD। लेकिन DVD परचेज करने से अच्छा बोलूंगा कि आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे जाए और हमारे लाइव क्लासेस को लें, क्योंकि लाइव क्लासेस जो होता है वो उसमें मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद समझाता हूँ, तो उसमें क्या होता है आपको हर क्वेश्चंस हर डाउट को क्लियर किया जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में कंफ्यूजन है तो आप हमारी डेमो क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हो, क्लिक करके आप डेमो क्लासेस बुक कर लीजिए और 2-4 क्लास डेमो लेके देखिए, अगर लगा कि हाँ दिस इज अ गुड फॉर यू देन आप ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक और अदर माध्यम से आप जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर DVD आपको लेनी हो तो आप कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे कॉल कर सकते हो, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट के जरिए पूछने से अच्छा है कि डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि कमेंट मैं एक्सटेंस नहीं देखता हूँ, काफ़ी टाइम बाद देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी नंबर ऑफ वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं इसलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।